आपके लास्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ चुके थे, एससी पढ़ चुके हैं, बीसीसी पढ़ चुके हैं, एफसीसी व्हिच इज आल्सो नोन एज सीसीपी पढ़ चुके हैं, एचसीपी पढ़ चुके हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर एचसीपी को वापस एक्सप्लेन करने के लिए, ओके तो इसको मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसमें क्या क्या बेसिकली क्या क्या तुम लोगों को डाउट हुआ होगा वो मैं बताता हूँ यहाँ पे, ओके तो फर्स्ट फर्स्ट एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर यहाँ पे ये पोर्शन 1/6 कैसे हो गया, 1/6 पोर्शन ऑफ एन एटम कैसे हो गया। ओके तो पहले समझो, उसको समझो। जैसे कि हमें पता है यूनिट सेल्स, जब ये यूनिट सेल्स होते हैं तो ये यूनिट सेल है, दिस आर द यूनिट सेल्स। जब यूनिट सेल्स, अगर ये यूनिट सेल्स है तो इसके बगल में एक यूनिट सेल्स ऐसे अरेंज होते हैं, फिर इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल वे में भी अरेंज होता है, उसके ऊपर में वर्टिकल वे में भी अरेंज होता है एक सॉलिड में। सेम एग्जैक्टली सपोज एक क्रिस्टल है विच इज मेड अप ऑफ एचसीपी यूनिट सेल्स, एचसीपी के यूनिट सेल्स से उसको बनाया गया है, दैट क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ, एक क्रिस्टल को अज्यूम कर लेते हैं, दैट क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ एचसीपी यूनिट सेल्स। तो उसमें अगर एक एचसीपी है, उसके बगल में फिर एक एचसीपी होगा, फिर उसके बगल में एचसीपी होगा, फिर उसके ऊपर में एचसीपी होगा, फिर उसके ऊपर में एचसीपी होगा। ओके तो अभी इसको भूल जाओ कि 1/6 है, लेट इस कॉर्नर को देखते हैं। तो इस कॉर्नर पे एक एटम प्रेजेंट है, तो सपोज ये हमारा स्फेरिकल, ये स्फेरिकल क्रिकेट बॉल है, अज्यूम कर लेते हैं कि ये एटम की तरह है। तो ये एटम यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट है, ये इस पे प्रेजेंट है, ओके यहाँ पे ये प्रेजेंट है। तो जरा देखता हूँ इसको, देखो मैं फिर से बनाता हूँ, सिर्फ इस डायग्राम को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये जो देख रहे हैं ये पोर्शन, ये पोर्शन ठीक है, यहाँ पे ये क्रिकेट बॉल है, दिस बॉल इज प्लेस्ड, ये जो एटम है ये यहाँ पे प्लेस्ड है इस पोर्शन पे, बट ये एटम का पोर्शन सिर्फ इस यूनिट सेल में नहीं होगा, इट इज इसके बगल में, इस यूनिट सेल के बगल में, इस यूनिट सेल के बगल में और यूनिट सेल होगा। अगर समझ में आ रहा है, तो ये एक यूनिट सेल, ऐसे यूनिट सेल है, तो इसके बगल में एक और यूनिट सेल ऐसे प्लेस किया होगा, इसके बगल में एक और यूनिट सेल होगा, दूसरा यूनिट सेल होगा, इस तरह ऐसे प्लेस किया गया होगा, ठीक। और ये ऐसे जाएगा, ये लाइन्स इसके ऐसे जाएंगे, और यहाँ पे एक और यूनिट सेल ऐसे जाएगा, ठीक है, समझ में। मीन्स व्हाट, ये जो एटम है, दिस एटम is not only participating in this unit cell, it is also participating in this one, this one. तो ये एक plane में है, एक unit cell, दो unit cell, तीन unit cell. Okay, तीन unit cell यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, समझ में आ रही नहीं आ रही? जैसे हमारा in the case of cube, एक cube होता है इस तरह, फिर उसके side में एक और cube होता है placed, फिर उसके side में एक और cube होता है placed, फिर उसके ऊपर में एक और cube होता है placed, फिर उसके ऊपर में एक और cube होता है placed, फिर ऐसे चलता रहता है ना। तो जाके हमारा क्रिस्टल क्या होता है, कंप्लीट एग्जैक्टली सेम, ये एचसीपी यूनिट सेल है, तो अगर इसके क्रिस्टल को कंप्लीट करना है तो इसके बगल में एक और यूनिट सेल होगा, उसके बगल में एक और यूनिट सेल होगा, फिर इसके ऊपर में होगा, फिर इसके ऊपर में होगा। तो अगर ये कॉर्नर देखे, जो ये कॉर्नर मैंने लिया था, ये कॉर्नर ए, तो ये कॉर्नर ले, तो ये कॉर्नर लेंगे, तो ये एक यूनिट सेल, जो ये वाला फेस मैंने निकाला था, ये पोर्शन, इस पोर्शन को मैंने बाहर निकाला था, ये हो गया इसके, ये जो फेस है, ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट से एक और यूनिट सेल होगा इधर, इस साइड में ऐसे अरेंज होगा, ये पोर्शन हमारा ऐसे अरेंज होगा, ये तो ऐसे अरेंज होगा इधर, और ये इधर से, इस पॉइंट से एक और यूनिट सेल ऐसे अरेंज होगा। मीन्स वॉट, दिस एटम, ये जो एटम है, ये एटम यहाँ पे एक ही प्लेन में एक दो तीन यूनिट सेल में पार्टिसिपेट कर रहा है, ओके, और ठीक इसके ऊपर में एक और यूनिट सेल होगा, इसके ऊपर में एक और यूनिट सेल होगा, इसके ऊपर में एक और यूनिट सेल होगा। मींस व्हाट, दिस एटम इज ओवरऑल पार्टिसिपेटिंग इन 6 यूनिट सेल्स, 6 यूनिट सेल में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए एक के लिए कितना पोर्शन होगा, इस कॉर्नर पे, कॉर्नर पोर्शन ऑफ एन एटम पे एक के लिए कितना पोर्शन होगा, 1/6, ओके समझ में। फिर से मैं बोलता हूँ, यहाँ पे जो हमारा कॉर्नर है, ये कॉर्नर पे, ये कॉर्नर पे 1/6 होता है। 1/6 कैसे हो रहा है, मींस इस कॉर्नर के बगल में, इसके बगल में एक और यूनिट सेल होगा, इसके बगल में एक और यूनिट सेल होगा, तो इसके बगल में एक और यूनिट सेल हमारा ऐसे, ये पोर्शन ऐसे कंटिन्यू रहेगा, ये पोर्शन, और ये ऐसे जाएगा, ये पोर्शन ऐसे। मींस व्हाट, ये एटम एक ही प्लेन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तीन यूनिट सेल में, और तीन ऊपर होगा। मींस व्हाट, यहाँ पे जो एटम है, इट इज पार्टिसिपेटिंग इन 6 यूनिट सेल। मींस व्हाट, एक को कितना पोर्शन मिलेगा, तो 1/6, तो 1/6 हो गया कॉर्नर पे, 1/6 हो गया, 1/6 हो गया, 1/6 हो गया, ओके। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। और सेकेंड डाउट था, सेकेंड जो डाउट था स्टूडेंट्स का, सेकेंड डाउट बहुत लोग ये पूछे कि सर ये पोर्शन बॉडी के सेंटर पे के तीन एटम कैसे आ गए, बॉडी के सेंटर पे
तीन एटम कैसे आ गया, तो दैट इज नॉट बॉडी सेंटर, वो बॉडी सेंटर नहीं है, मैंने बोला था अपोजिट फेसेस, अपोजिट साइड्स के बीच में एटम्स हैं, तो ये पोर्शन यहां देखो फिर से यहां से कनेक्ट कर दिए, ये पोर्शन यहां से कनेक्ट कर दिए, यहां ये पोर्शन हो गया, ये पोर्शन, तो ये पोर्शन तो हमें पता है दिस इज 1/6, यहां पे ए तो तीन, यहां पे तीन एटम। अब ये तीन एटम कैसे होते हैं, मैंने बताया था कि अच्छा एक चीज और क्लियर करना है कि ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज डिफरेंट, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस डिफरेंट है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो ऊपर जो पोर्शन है ये पोर्शन, दीज आर फेसेस बट दीज आर साइड्स, क्योंकि ये साइड्स, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम नहीं है, ओके इसलिए इसको ऊपर वाले और नीचे वाले को फेस बोलते हैं, बट ये जो होगा एक साइड, ये मैंने बताया था ये इसके ठीक अपोजिट सेकेंड साइड, थर्ड, फोर्थ और इस साइड के अपोजिट में ठीक उस साइड, तो दीज आर साइड्स, ऊपर वाला क्या होगा फेसेस, तो फेसेस तो क्लियर है, फेसेस पे कितना पोर्शन ऑफ एन एटम है, तो 1/2, क्योंकि एक एटम यहाँ पे होगा, ये हमारा एटम यहाँ पे होगा रखा हुआ, इसके ऊपर में एक यूनिट सेल रखा होगा, तो यहाँ पे उसके ऊपर यूनिट सेल, तो ये हाफ से कट करेंगे, तो हाफ इसमें हाफ उसमें होगा, ओके बट यहाँ पे तीन एटम कैसे आ गया, तो इसको मैंने एक्सप्लेन किया था कि दो ये साइड के बीच में एक एटम, ओके फिर ये साइड के बीच में ये दूसरा एटम, ओके और थर्ड एटम इज दैट इस साइड और इस साइड के बीच में थर्ड एटम, तो यहाँ पे ये तीन एटम ऐसे रखा हुआ है, ये तीन एटम हमारा ऐसे रखा हुआ है, ये पोर्शन यहाँ पे तीन एटम, ये जो देख रहे हैं ना, ये तीन एटम हमारा ऐसे सेंटर पे है, तो ये तो अभी वर्टिकल दिख रहा है, एक्चुअली वर्टिकल नहीं है, वो ऐसे है हॉरिजॉन्टल वे में होगा, समझ में आ रहा है, दिस इज लाइक दिस, ये हमारा ऐसे ऊपर में ऊपर में एक हेक्सागन होगा, उसके छह पॉइंट्स, नीचे में एक हेक्सागन होगा, उसके छह पॉइंट्स, ये पॉइंट इस पॉइंट से कनेक्टेड है, ये ऐसा होगा, ये पॉइंट इस पॉइंट से कनेक्टेड है, ये पॉइंट इस पॉइंट से, और ये बीच में तीन एटम, बॉडी का सेंटर, ये जो बीच में स्पेस आ रहा है ना, दिस विल बी द बॉडी सेंटर, ये जो पॉइंट आ रहा है, दिस स्पेस, ये जो स्पेस आ रहा है, दिस विल बी द बॉडी सेंटर, ये बॉडी सेंटर, बॉडी का सेंटर एक ही होता है, चाहे वो सिंपल क्यूबिक हो या फिर एफसीसी हो या बीसीसी हो या एचसीपी हो, तो बॉडी का सेंटर एक ही होता है, यहाँ पे ये तीन एटम ऐसे है, वो ऐसे नहीं है वर्टिकल नहीं है हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल है, तो ये ऐसे तो दिखा नहीं सकता हूं, तो ये पोर्शन इस तरह है, ओके समझ गए, तो यहाँ पे तीन आइटम्स है, ओके बाकी तो पता ही है ये पोर्शन, तो जेड इसका समझ में आ रहा है, ये पोर्शन जेड इक्वल्स टू 1/6 इंटू ऊपर में छह कॉर्नर है और नीचे में छह कॉर्नर है, 1/6 इंटू 12 प्लस 1/2 इंटू ऊपर फेस एक नीचे फेस, 1/2 इंटू 2 प्लस सेंटर पे यानी अपोजिट फेसेस के बीच में एक एटम, अपोजिट फेसेस के बीच में और ये अपोजिट फेसेस के बीच में, तो दिस विल बी 2 प्लस 1 दिस विल बी 6, तो z इक्वल्स टू 6 फॉर एचसीपी, ओके तो यहां तक समझ गए हो, तो चलो इसको एंडिंग करते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, देखो ऐसे मैंने बता दिया कि यूनिट सेल 4 टाइप्स के होते हैं, लेकिन बेसिकली यूनिट सेल्स इज ओनली ऑफ 2 टाइप्स, लास्ट क्लास भी मैंने बताया था कि यूनिट सेल 2 ही होते हैं एंड दीज